ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोग इसका बायकॉट भी कर रहे हैं। बायकॉट करने की वजह भी अपनी अपनी है। फिल्म को बायकॉट करना है तो लोग बायकॉट कर रहे हैं। खैर, अब ये बायकॉट कितना सही साबित होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन काफी जोर शोर से चल रहा है। हैदराबाद में एक इवेंट में राजमौली के अलावा और भी कुछ कलाकार थे साउथ के, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र को प्रमोशन करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्रह्मास्त्र फिल्म जब बन रही थी तब ये अनाउंस हो चुका था कि इसका पार्ट टू भी आएगा। पार्ट टू में क्या ऋतिक रोशन होंगे, आज इस बारे में बातचीत करेंगे। हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है बॉली बच्चन। ऋतिक रोशन अपनी आने वाली फिल्म विक्रम वेदा को लेकर काफी उत्साहित है और उन्हें लगता है कि विक्रम वेदा ने जिस तरह से ओरिजिनल वर्सन तमिल में एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाया था, अच्छी खासी हिट रही थी फिल्म, उसी तरह हिंदी में भी ये फिल्म काफी चलेगी। इस फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान भी है। ये तो हम सब जानते हैं कि ऋतिक रोशन एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्हें ग्रीक गॉड कहा जाता है, और तो और उनका करिश्मा और ऑरा किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। ब्रह्मास्त्र 2 के लिए एक रोल है देव का। जब देव के रोल के लिए आयन मुखर्जी और करण जौहर ने ऋतिक रोशन को अप्रोच किया तो ऋतिक रोशन ने काफी पोलाइटली से इस रोल को ना कह दिया, क्योंकि उनको लगता था कि क्रिस में उन्होंने जो भूमिका निभाई थी उससे मिलता जुलता ये रोल है, और क्योंकि क्रिस 4 भी आने वाली है तो ये दोनों ही एक ही तरह के रोल हो जाएंगे और एक ही तरह के सिमिलर रोल किसी एक्टर को नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र 2 का देव का जो कैरेक्टर था उसे करने से इनकार कर दिया। अभी उनका फैसला कितना सही है या कितना गलत है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आयन मुखर्जी और करण जौहर ऐसा सोचते थे या ऐसा मानते थे कि शायद ब्रह्मास्त्र 2 में अगर ऋतिक रोशन आ जाते तो उनकी फिल्म में 4 चांद लग जाते। लेकिन ऋतिक रोशन के ना कहने पर आयन मुखर्जी और करण जौहर को निराशा लगी। अब वे किसी ऐसे एक्टर की खोज कर रहे हैं जिनकी तुलना, या यूं कह सकते हैं कि जिनके स्टारडम और ऑरा ऋतिक रोशन के बराबर का हो, यानी कि एक ऐसे अदद सुपरस्टार की खोज फिर से शुरू हो चुकी है जो ब्रह्मास्त्र 2 में देव की भूमिका को कर सके। ब्रह्मास्त्र 2 में ऋतिक रोशन द्वारा देव के रोल को रिजेक्ट करना कितना सही है, कितना गलत है? क्या ऋतिक रोशन ने इसे ना कहकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, या उनको ऐसा लगता था कि ब्रह्मास्त्र के बायकॉट ट्रेंड को लेकर ब्रह्मास्त्र के परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ेगा? शायद इस बात को सोचते हुए क्या ऋतिक रोशन ने अपने हाथ खींच लिए? कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है कि ब्रह्मास्त्र हिट होगी तो क्या ब्रह्मास्त्र 2 पर इस पर असर पड़ेगा, या ब्रह्मास्त्र फ्लॉप होती है तो ब्रह्मास्त्र 2 पर क्या असर पड़ेगा? अपने कमेंट द्वारा हमें बताने की जरूर कोशिश करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।